हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 12 फोर क्लास 6। जेनरिक सब्जेक्ट है बेटा, यानी जनरल वर्कशीट है, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है। इस वर्कशीट में आपको हाथ धोने के स्टेप्स के बारे में बताया गया है, तो ये बिल्कुल एक आपका जनरल टॉपिक है। और ये वर्कशीट आपकी 20 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये वर्कशीट है, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए यही वर्कशीट हिंदी में दी गई है, तो वो वर्कशीट आपको करनी है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। सो वर्कशीट शुरू करते हैं। टुडे नीनाज क्लास टीचर टोल्ड द स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग इन द क्लास। आज नीना की क्लास टीचर ने क्लास में हाथों को धोने के स्टेप्स के बारे में बताया। सभी बच्चे हाथों को धोने के स्टेप्स के बारे में जानते हैं। सभी बच्चों को पता है कि COVID-19 जो है वो बीमारी फैली हुई है, पेंडेमिक फैली हुई है बेटा, और उसके लिए हमें जो प्रिकॉशन लेनी है वो है बार बार हाथों को धोना, सामाजिक दूरी बनाकर रखना, सोशल डिस्टेंसिंग। अब सभी बच्चे इन चीज़ों से अवेयर हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें आपको यही बताया गया है कि आपके हाथों को धोने के लिए प्रॉपर स्टेप्स क्या होने चाहिए, जिससे कि सारे के सारे जो रोगाणु हैं जो हाथों के अंदर, वो जो है सारे के सारे निकल जाएं, मर जाएं, ठीक है। सो नीना की क्लास टीचर ने भी हैंड वॉश के लिए स्टेप्स बताई। शी रिमेंबर्ड द प्रोसीजर बट फॉरगेट इट्स ऑर्डर, सो शी इज़ कन्फ्यूज। अब उसने उन प्रोसीजर को याद तो कर लिया, लेकिन वो भूल गई, उनका ऑर्डर भूल गई कि किस स्टेप के बाद कौन सा करना था। नाउ यू हेल्प नीना बाई टेलिंग द स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। अब आपको नीना की हेल्प करनी है हैंड्स वॉशिंग के स्टेप्स बताने में। तो फर्स्ट स्टेप क्या बताया गया है, फर्स्ट स्टेप इज़ वेट योर हैंड एंड यूज सोप। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप है कि आपको अपने हाथ जो है गीले करने हैं और साबुन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, रब योर पाम टू पाम। अब आपको अपनी हथेली से हथेली के दोनों हाथों के हथेलियों को आपस में रगड़ना है, ठीक है, और उंगलियों के बीच में से भी आपको साफ करना है। तीसरा स्टेप है रब योर नेल्स विद पाम बोथ हैंड्स। अब आपको अपने नेल्स जो हैं इस तरह से एक हाथ के नेल्स दूसरे हाथ की हथेली पर इस तरह से रब करने हैं, और इसी तरह दूसरे हाथ के नेल्स भी आपको जो है आपस में ही ऐसे रब करने हैं। तो ये आपका थर्ड स्टेप हो जाएगा। फोर्थ स्टेप क्या है, रब योर हैंड्स फ्रॉम बैक ऑल्सो, यानी अपनी हथेलियों को, हाथों को पीछे से भी आपको वॉश करना है। ये फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप क्या है, वॉश योवर हैंड्स विद वाटर। उसके बाद अपने हाथों को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है, ठीक। उसके बाद नंबर सिक्स है ड्राई हैंड्स विद टॉवल। उसके बाद आपको अपने हैंड्स को टॉवल से ड्राई कर लेना है, टॉवल भी आपको बिल्कुल साफ वाला लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने हाथ जो है वो धो लेने हैं। अब बेटा देखिए आगे वर्कशीट में आपको क्या दिया गया है। अब आपको सारे स्टेप्स लर्न हो गए हैं, अब आप नीना की हेल्प कर सकते हो अच्छे से, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट स्टेप तो ऊपर दे दिया गया था, वेट योवर हैंड विद एंड यूज सोप। अब सेकंड स्टेप आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं जो हमने अभी ये ऊपर पढ़े, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो इसमें आप सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, सेकंड स्टेप में आप लिखेंगे ए पार्ट, ठीक है ना। ए में आप लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, तो ये जो है ए, ये वाला सेकेंड स्टेप ये हो जाएगा। तो ए का आंसर यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे आप ऐसे रब योर पाम टू पाम, ठीक है, रब योर पाम टू पाम, इस तरह से आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद देखिए थर्ड स्टेप यानी बी पार्ट ये हो जाएगा, बी में ये वाला लिख देंगे। नेक्स्ट सी में ये वाला आ जाएगा, डी में बेटा ये वाला लिख देंगे, और ई में आप ये वाला आंसर इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे के सारे जो स्टेप हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फर्स्ट स्टेप आपको केवल गिवन है, बाकी आप सीरियल में ऐसे ही ऑर्डर में अपनी वर्कशीट के अंदर इसको लिख देंगे, ऐसे लिख के जैसे इसमें दिया गया है। सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो इस तरह से आपको सारे स्टेप्स यहाँ पर लिख देने हैं। नाउ एक्सप्रेस योर फीलिंग बाय ड्राइंग ए स्माइली दैट यू हेल्प नीना। अब आपने नीना की हेल्प की है, तो आपको अपनी फीलिंग जो है वो स्माइली बना के एक्सप्रेस करनी है। सो स्माइली यहाँ पे आपको बना देनी है, बहुत अच्छी स्माइली जो है सारे बच्चे बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से बहुत अच्छी सी स्माइली आपको यहाँ पर बनानी है, ठीक है, बहुत अच्छे से बच्चे बना सकते हैं। तो ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको बेटा वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो।
आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और बेटा इन स्टेप्स को जो है आप अपने जरूर अपने हाथों पे फॉलो कीजिए, अपने हाथों को इसी तरह से धोइए ताकि आप जो कोरोना है COVID-19 है उस बीमारी से बचे रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।